एमपी विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले बड़वानी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उसी कड़ी में बड़वानी शहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अंदर जिला चौकी पोस्ट पर हरियाणा के तस्कर के पास से 14 अवैध हथियारों को जब्त किया है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़वानी शहर पुलिस ने छोटी कसरावद नर्मदा के बड़े पुल पर लगे चेक पोस्ट से हथियार तस्करों को पकड़ा है। इसमें एक बाल आरोपी भी शामिल है। दोनों हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि 1 नवंबर की रात्रि अंतर जिला चेक पोस्ट ग्राम कसरावद बाईपास रोड बड़वानी नर्मदा पुलिया के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को अवैध रूप से हथियार ले जाते हुए पकड़ा, जो सोनीपत हरियाणा के शातिर बदमाश हैं। ये 1 तारीख को हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कसरावद रोड पर कोई आदमी हथियार लेकर आने वाले हैं, तो हम लगातार एसपी साहब के निर्देशन में एक हम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसडीओपी दिनेश चौहान, ओटीआई बलदेव सिंह मुजालदा और अन्य लोगों को टीम गठित कर जब हम उस जगह पहुंचे और हमने लगातार सर्चिंग करना शुरू किया, चेकिंग करनी शुरू की वहां पे, तो हमें 2 व्यक्ति झोला लटकाए हुए पुलिस को देखकर चौकन्ने हो गए और वापस जाने लगे, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा और जब उनके झोले की चेकिंग की तो उसमें 10 कट्टे 4 पिस्टल बरामद हुई। उन लोगों ने, एक आरोपी ने अपना नाम अमन पिता दीपक कुमार 19 वर्ष सोनीपत हरियाणा का होना बताया। दूसरा उसके साथ जो दूसरा सह आरोपी था वो बाल अपचारी होने के कारण उसको हमने उसी समय वहाँ झाबुआ में सुधार गृह में भेज दिया गया है। इस आरोपी का पीआर लिया, लगातार हम पूछताछ की। जब उसने ये हथियार कहाँ से लाया गया तो उसने सिंघाना में एक कुख्यात अपराधी है जो पूर्व के अपराधों में इसी तरह के हथियारों के बेचने और इसमें वांटेड है, उसका नाम बताया है। उस आरोपी को हम लगातार तलाश कर रहे हैं और उसको अमन को हमने जेल दाखिल कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले बड़वानी जिला प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बड़वानी।